हम लोग आज खड़े हैं शाहीन के कैंपस के बगल में अपना बाजार सुपरमार्ट में। आइए आज आपको यहाँ घुमाते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए खाने पीने की चीजें, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स, जूसेस, स्नैक्स, उसके अलावा स्टेशनरी के आइटम, हाइजीन के आइटम और डेली नीड्स के आइटम, सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। आइए मेरे साथ, हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर इस वक्त है। इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और उस हेल्दी चीजें हैं खाने के लिए। ये चॉकलेट्स हैं, और चॉकलेट्स के अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे टूथब्रश, टूथपेस्ट, इस टाइप की चीज़ें हैं। इस साइड हमारे पास बिस्किट्स हैं और हल्के फुल्के खाने पीने की चीज़ें हैं, और अलग अलग वैरायटी के खाने पीने की चीज़ें, कुछ स्नैक्स, खट्टा मीठा, इस तरह की चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। आगे बढ़ते चलते हैं और यहाँ पे बॉर्नविटा वगैरह है, और यहाँ पे हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ इस तरफ पूरे स्नैक्स हैं। अगर हम लोग इस सेक्शन में आए तो यहाँ पर अलग अलग कॉस्मेटिक्स के आइटम हैं जो कि अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। सोप्स वगैरह यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो है अलग अलग तरह के शैम्पूस वगैरह जो हैं, फेस वॉश, इस तरह की चीज़ें हैं। ये सेक्शन भी जो है खजूर के लिए है और इस तरह की चीज़ों के लिए, हेल्दी चीज़ों के लिए। यहाँ पर अचार, घी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और इस तरह के आइटम्स हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए स्टेशनरी के आइटम्स, नोटबुक्स, रजिस्टर्स, पेंस, नीचे स्लीपर्स वगैरह, मग वगैरह, सब चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं। और अलग अलग चीज़ों के बाद ये सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है जहाँ के अलग अलग फ्रूट जूस अवेलेबल हैं, और उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं। इस वक्त मुझे एप्पल्स, आलू बुखारा, संतरा, पोमोग्रेनेट, कीवी और दही भी दिख रही है। एक स्पेशल बात यह है कि पेरेंट्स घर पर बैठकर भी अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। पेरेंट्स घर से ऑर्डर करेंगे और यहाँ पर ऑर्डर रिसीव होगा, और आइटम्स जो हैं उनके स्टूडेंट्स के पास उनके रूम में या उनके क्लासरूम में पहुँचा दिए जाएंगे। कैसे होता है ये काम, अब हम देखेंगे। इस वक्त यहाँ पर मेरे पीछे शाहीन का एक डिजिटल पैनल है, और हम डिजिटल पैनल के थ्रू अपना बाजार से कुछ आइटम्स ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां सर्च पर जा रहा हूं, और सर्च पर मैं लिखूंगा अपना बाजार ऑनलाइन। जब मैं ये सर्च कर रहा हूं तो फर्स्ट लिंक जो मेरे पास आ रहा है वो है अपना बाजार, अपना है तो भरोसा है, इसकी वेबसाइट अपना बाजार डॉट ऑनलाइन है। इस पर चलते हैं। ये जो पेज मेरे पास खुला है इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स हमें दिखा रहा है जो कि अवेलेबल है। जो अवेलेबल है उनमें से कुछ आइटम्स हम ऑर्डर कर लेते हैं। मुझे एक नोटबुक चाहिए, उसके अलावा जो है साबुन चाहिए मुझे, उसके अलावा जो है मुझे जो है कुछ और आइटम्स हम ले लेते हैं, कुछ नमकीन ले लेते हैं, और ये कोई जूस है वो ले लेते हैं। ये सब ऑर्डर करने के बाद अब मैं आगे प्रोसीड करूंगा माई कार्ट की तरफ। वैसे अगर आप इसको ठीक से सर्च करना चाहें तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी है, और इसके अलावा कैटेगरीज के थ्रू भी जाके आपको जो चीज़ लेनी है वो देख सकते हैं। यहाँ पर माई कार्ट है, मैं ज़रा उस पर प्रोसीड कर रहा हूँ। जब माई कार्ट पर मैं प्रोसीड करता हूँ तो मैंने जो जो आइटम सेलेक्ट किया है वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, प्लस मेरा जो अमाउंट हुआ है वो भी यहां पर दिखा रहा है। अब मैं चेकआउट के लिए यहां से प्रोसीड कर रहा हूं। जब चेकआउट के लिए प्रोसीड कर रहा हूं तो चूंकि मैं फर्स्ट टाइम इस लिंक पर आया हूं, मुझे काफी इंफॉर्मेशन यहां पर ऐड करनी होगी। नेक्स्ट टाइम से जब मैं आऊंगा तो ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कम हो जाएगी। अब यहां पर मुझे अपने सारे डिटेल्स भरने हैं। जादू से मैंने सब ऑलरेडी भर दिया है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट का, पेरेंट्स का नहीं, कंट्री इंडिया, क्योंकि आप डिलीवरी जहां करवा रहे हैं इंडिया में, मैंने अज्यूम किया है कि मैं गोलेखाना कैंपस में इस वक्त जो है डिलीवरी करवा रहा हूं। स्ट्रीट एड्रेस में अपना एड्रेस ना भरें, अगर स्टूडेंट के लिए भिजवा रहे हैं तो।
या तो गोलेखाना कैंपस, या फिर मैलूर कैंपस, या फिर शाहपुर गेट कैंपस, या फिर सी ब्लॉक, जो भी रिक्वायर्ड है। टाउन बिदर है, टाउन स्टेट कर्नाटका है। पोस्टल कोड यहाँ का 585403 है। मैंने एक इमेजिनरी फोन नंबर और जीमेल ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दिया है। अब चूंकि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, यहाँ पर मुझे क्रिएट एन अकाउंट चूज करना पड़ेगा। जब क्रिएट एन अकाउंट करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करना पड़ेगा। तो एक पासवर्ड मैं यहां भर लेता हूं, और पासवर्ड भरने के बाद मैं यहां पर शिफ्ट टू माय वार्ड सेलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट के पास इसको डिलीवर करना चाहता हूं। यहां पर मैं स्टूडेंट का नाम भरूंगा। स्टूडेंट का नाम मैंने भर दिया, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर भर दिया और स्टूडेंट का क्लास डाल दी। फॉर एग्जाम्पल क्लास यहाँ पे 1 PU NEET या 2 PU NEET या फिर नीट रिपीटर, जो भी उसके इसमें एप्लीकेबल है। इसके बाद यहाँ पे मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को सेलेक्ट करके पेमेंट की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मेरे पास स्क्रीन आ चुकी है पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए कई ऑप्शंस इसमें हैं, लेकिन मेजरली दो ऑप्शंस को प्रेफर करें। या तो UPI के थ्रू इसको स्कैन करें, जितने भी मेजर UPIs हैं आपका पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, सब ये सपोर्ट करता है, या नहीं तो फिर नेट बैंकिंग का यूज़ करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एक दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो एंट्री करेंगे उसमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पेरेंट्स का होगा, बाकी सारी चीज़ें एड्रेस, कैंपस है ना, वो सब जो है स्टूडेंट्स का चाहिए, उसी के हिसाब से इसको एंट्री करें। ऑर्डर तो हमने कर लिया, अब हम ज़रा देखते हैं कि उस ऑर्डर का होता क्या है, उसका प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो ऑनलाइन जो हम ऑर्डर करते हैं वो किसके पास आता है? हमारा वेबसाइट है, अपना बाजार का वेबसाइट में आता है सर। अभी फिलहाल ऑर्डर आया हुआ है, ये पैकिंग कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अब ये स्टूडेंट्स के पास कैसे जाएगा? सर वो डिटेल्स आएंगे सारा अपने वेबसाइट में, उनका एडमिशन नंबर और रूम नंबर, सारी डिटेल्स इसमें आ जाती है सर। उसमें आ जाने के बाद वो स्टूडेंट्स का डिटेल्स ले लेके चले जाते हैं सर, हमारे पास ऐसे भेज देते हैं। ओके, तो बहुत ही कन्वीनियंट सिस्टम है। घर से बैठ के आप अपने बच्चों के लिए जो भी सामान ऑर्डर करना है यहाँ से ऑर्डर करें, उनको उनके रूम में या उनके क्लासरूम में पूरा का पूरा सामान मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की है।